अब्बा हुजूर, मुगल सल्तनत की तारीख में नहीं हुआ, वो आपकी सालगिरह के पाक मौके पर हुआ। तख्त की तौहीन हुई, शहजादे होने के नाते हमें सख्त अफसोस हुआ। अफसोस तो हमें भी बेहद हुआ शहजादे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आया उस दक्खनी बागी सिवा पर। अगर हमारा हुक्म चलता ना तो भरे दरबार में उसका कत्ल कर देते। लेकिन फूफी हुजूर, अब्बा जान तो उन्हें माफी बख्शने वाले हैं। दुरुस्त फरमाया शहजादे। अगर वो जहन्नमी सिवा अपने गुस्ताखी की माफी मांगता है तो हम शायद उसे माफ भी कर देंगे। तौबा तौबा तौबा, इतने बड़े जुर्म की आप उसे कुछ भी सजा नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो मुगल सल्तनत का खौफ कैसे बना रहेगा? वो चूहा दक्खन से यहाँ आता है, शेर की तरह ललकारता है, ऐसे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी भाईजान। ऐसा नहीं होगा अपाजान, उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। कब भाईजान कब? आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे हम उसे। सिवा को हम एक मिसाल बनाएंगे जिससे मुगल सल्तनत का खौफ और भी बढ़ेगा। इतनी हिम्मत की उसने, उस चूहे ने, कि हमें ललकारा, हमारे तख्त की तौहीन की। उसकी मौत तो पत्थर की लकीर है आपाजा। हमारी तो आंखें तरस रही है उसे सजाए मौत देते हुए देखने के लिए। इंशाल्लाह। लेकिन आपाजान, आपको उसके लिए थोड़ा सब्र करना होगा। क्यों? क्योंकि आपाजान, हम पहले सिवा को काबुल की मुहिम पे भेजना चाहते हैं। उसके शमशीर की हुनर का फायदा उठाकर हम वो जंग तो जीत ले, उसका थोड़ा इस्तेमाल तो करें। आज तक इतना नुकसान किया है उसने तख्त का, उससे थोड़ा मुनाफा तो हो हमारा। और फिर आपाजान, हम बकायदा उसे सजाए मौत देंगे, कत्ल कर देंगे उसे। और इंशाल्लाह फिर दक्खन पर हमारी हुकूमत होगी। आमीन आमीन। शंभूराजे, आज तुम्ही प्रथमच औरंगजेबाच्या दरबारात मुघली मनसबदार म्हणून जाणार आहात, आपल्या स्वराज्याचं प्रतिनिधित्व करणार आहात। तेव्हा सावध असा, बादशहाने आमच्याबद्दल विचारणा केली तर आमची तब्येत बरी नाही अशी बतावणी करा। हुशारीनं असा। पण शंभूराजे, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, दख्खनच्या मराठ्याचा रुबाब बादशाह समोर तीसभरही कमी पडता कामा नये। जी आबासाहेब, आपले प्रतिबिंब म्हणून आम्ही दरबारात वावरू, आपण सांगितलेल्या सर्व गोष्टींचे आम्ही पालन करू। काल दरबाराने सिंहाची गर्जना ऐकली, आज दरबार छाव्याची गर्जना ऐकेल। शाबाश शंभूराज। खमा गणनी राजा जी। घणी खमा कुंवर जी। कुंवर जी, आम्हाला बेहद अफसोस आहे की आम्ही आपल्या बरोबर दरबारात येऊ शकत नाही। आमची तब्येत बरी नाही।
इथली हवा पाणी बहुधा आम्हाला सोसवली नाही. सबब आपण आमचे फर्जंद शंभूराजे यांना बरोबर घेऊन जा. आपके फर्जंद सल्तनत के 5000 मनसबदार होवे है, उन्हें दरबार में पेश होना ही होवे है. लेकिन राजा जी, आप अगर आते तो आला हजरत के गुस्से को थोड़ा ठंडक मिलती. हमसे शंभूराजे तुमच्या बादशाला थंड करती करतील. आमचं प्रतिबिंब म्हणून त्यांना घेऊन जा. आला हजरत, आज वो दक्खनी सिवा गुसल खाने के दरबार में भी पेश नहीं हुआ. वो कदम कदम पर तख्त की तोहीन किए जा रहा है. हुजूर, हमारी सोच है कि उसे अब सजा फरमानी चाहिए. जान, वो दक्खन का सिवा घुसल खाने के शाही दरबार में मौजूद रहने वाला था. अब्बा हुजूर से माफी तलब करने. फिर माफी तलब की उन्होंने? अब्बा हुजूर ने बख्श दिया उन्हें? आपा हुजूर, अगर वो मौजूद रहते तो अब्बा हुजूर उन्हें माफी तलब करते ना. वो दरबार में आए ही नहीं, लेकिन उनका शहजादा आया है. शहजादा? माशा अल्लाह, कितना खूबसूरत और हिदमती है वो. सिवा और उसका लड़का दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. एक नूर चमकता है उनके चेहरे पर. चलो हम देख कर आते हैं. लेकिन आपा हुजूर, उन्हें देख के क्या होगा? क्या हासिलियत होगी हमें? शहजादे, मैंने सुना है कि वो लड़का होशियार और अकलमंद है, उसके वालिद जैसा ही. चलो चलो देख कर आते हैं कि वो अब्बा हुजूर से क्या बातें करता है. चलो देखते हैं उसकी होशियारी. बादशाह सलामत का इस्तकबाल बुलंद हो. यह है शिवाजी राजा जी के फर्जंद शंभूराजे. बादशाह सलामत, हमारे पिताजी शिवाजी राजे बीमार हैं, उन्हें बुखार है, इसीलिए वो आज दरबार में पेश नहीं हो सके और उसका उन्हें बेहद अफसोस भी है. बीमार है? सुना वजीर सल्तनत, सिवा को बुखार चढ़ा है. क्यों शंभूराजे, हमारे सल्तनत की चकाचौंध देखकर सिवा को बुखार चढ़ गया? वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है, खैरियत से तो है आप? आपको तो बुखार नहीं चढ़ा ना? नहीं, अमास बुखार येत नहीं, परंतु आमच्यामुळे आपल्यासारख्यांना बुखार नक्कीच येतो. आणि आलीजा,
हे आपले उंच उंच संगमरवरी महाल ही चकाचोन पाहून आम्हाला आणि आमच्या आबासाहेबांना कोणतं आश्चर्य. याहून मोठमोठे गडकोट आमच्या दख्खन मध्ये आहेत. त्या गडकोटांचा बाले किल्ला हा आसमानाशी बोलतो. त्यात हा आपला महल म्हणजे मतलब वेळ आल्यावर सांगूच. लाहौल बिला कुवत. राम सिंह, इस लड़के को अभी तक शाही रिवाज नहीं सिखाए. दरबारी तौर तरीकों से ये अब तक अनजान है सिवा की तरह. अब्बा हुजूर, क्या यही वो दक्खन से आए हुए शहजादे हैं? यही है सिवा के फर्जंद. इन्हें आप अपने साथ अपने महल में लेके जाएं. सिवा को नजर कैद किया जाए, पहरे सख्त किए जाए, शहर के नामचीन कोतवाल रणमस्त खान को तलब कर दो. हुक्म की तामील हो. लाहौल विला कुवत, ये क्या सुन रहे हैं हम? हमारे सारे सपने, सारे अरमान, सारे मंसूबे मिट्टी में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें. अब ये बर्दाश्त के बाहर है. गुस्ताखी माफ आपा जा, आप गुस्सा थूक दीजिए. कैसे वजीर आलम, कैसे? उस बदजात सिवा ने हमारी आंखों के सामने हमारे भाईजान की तौहीन की, बड़े दरबार में ऊंची आवाज में बात की, उसको पीठ दिखाई, दरबार के सारे तौर तरीके पैरों तले कुचल डाले, और इतना सब होने के बावजूद इसकी सजा क्या मिली? उसे नजरबंदी. सही फरमाया आपाजान आपने, उस गुस्ताख को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए. और उसने मुआफी मांगने के लिए ना आने की वजह भी क्या दी? तो वो बीमार है? ऐसे कैसे अचानक किसी की तबीयत नासाज हो सकती है? आपा हुजूर, हमें लगता है कि डर के मारे वो भगोड़े की तबीयत नासाज हो गई होगी. वज़ीरे आलम, क्या आपके जहन में एक बात आ रही है? कौन सी बात? नजरबंदी की वजह से वो बदजात सिवा हवेली के बाहर नहीं निकलेगा. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हमने जो उसके जन्म की सफर का मंसूबा सोचा था, वो धरा का धरा रह गया. पंत शंभूराजे आज प्रथमच त्या क्रूर कर्मे औरंगजेबाला भेटायला गेले, त्यामुळे मनी चिंतेचं सावट आहे. पण आमचा शंभू त्याच्या तेजाने औरंगजेबाचा घुसल खाण्याचा दरबार तिपवून टाकेल याची खात्री सुद्धा आहेच. फक्त दरबारात काही अनुचित घडू नये म्हणजे झालं. राजांनी काळजी करू नये, सर्व काही ठीक होईल. शंभूराजे चलाक आहे, तलवारी बरोबरच मदाळ बोलीने शब्दांशी कसे खेळावे
यात देखील पारंगत झालेत ते. राजा, राजा, राजघात झाला. आपल्या भोवती फौजन पहार बसवल्यात. काय, किती फौज आहे? 4-5 हजार हाशीम असतील आणि सोबत तोफ अभी आहे ती. राजाजी, अब आप शाही फौज की नजर कैद में हो. शाही पहरे में हो. अब आप अंदर से बाहर नहीं जा सकते. यही शाही हुकुम है. आप सभी लोगों अपने अपने हथियार जमा कर दिए जाएं. राजा जी, आपकी भी हथियार. खान आदमी ना. आबा साहेब,